सो गाइस ये है, सारे के सारे लोग आए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो आप? तो ये हो गया थोड़ा देसी वाला जोक। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बाइकर मुस्तफ़ा। आज जो है हम जाने वाले हैं शिल्प ग्राम। सो बेसिकली ये हमारे घर से नज़दीकी है भाई, 5.2 किलोमीटर। आज था ट्यूसडे, सुबह बैठे बैठे सोचा कि मैं जाएंगा, फिर टाइम वाइम देखा तो मुझे पता चला कि 11 बजे तो खुलेगा ये। अभी बज गए हैं 12, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये जो शिल्प ग्राम है ना, इसके अंदर जो है आपको रूरल एरिया नज़र आएगा। आपको याद है मैंने रास्ते में मोटो व्लॉगिंग में कहा था आप लोगों को कि थोड़ा रूरल एरिया देखेंगे। जब मैं बुरहानपुर टू सूरत मोटो व्लॉग कर रहा था एपिसोड 1, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि हर चीज़ कनेक्ट होने वाली है। ऐसा ना हो कि मैं रेफरेंस देते जाऊँ और आप थापा मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मज़ा आएगा। अभी मुझे पता चला कि बेसिकली ये जो शिल्प ग्राम है ना, इसका सीज़न है ठंडी का सीज़न, बट मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता अभी कि ठंडी में फिर से आएंगे, क्योंकि विंटर का प्लान कुछ और है। सो एनीवेज जाके देखेंगे, जैसा भी उसका हाल होगा आपको बताएंगे। ये सेलिब्रेशन बेकरी, यहाँ से जो है अपना रेडबुल का स्टॉक आता है भाई। और ये है यहाँ की पुलिस। रुक जा भाई, ये रास्ते पे अपन कभी गए नहीं तो आज जाएंगे। वैसे वो नज़दीकी है, इतना दूर है नहीं, 3.4 किलोमीटर बता रहा है। उदयपुर में भी मैंने एक बात देखी है कि हर चौराहे पे आपको एक हवलदार या एक पुलिस वाला तो मिल ही जाएगा। ये हमारे पीछे जो अब्दुल कादिर भाई बैठे हुए हैं, ये हाथ बता रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा कि इन्होंने मोबाइल पे जो है मैप लगाया है, वो गलत बता देगा। तो ये हाथ बता रहे भाई, मतलब इंडिया में जो है ये हाथ बताने की जो प्रथा है कि सिग्नल की जगह पे हाथ बता दो बस, ये कभी जाएगी नहीं भाई, कभी नहीं जाएगी ये। यही नहीं, अभी और सुनिए, सच्ची बता रहा हूँ मैं, आप कितना भी महंगा बाइक ले लो, बंदे आपको यही करते दिखेंगे। इसमें थोड़ा देसीपना आता है। तो ये हो गया थोड़ा देसी वाला जोक। क्या है सर, आपको क्रिंज देने की कसम खाई मैंने, तो थोड़ा थोड़ा क्रिंज चलते रहता भाई। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि भाई यूट्यूब पे क्रिंज चलता है, तो मैं बोला ठीक है दे देगा मैं, कितना किलो चलता है, बोला कि आधा किलो 250 ग्राम चलेगा पर वीडियो, तो वो ही दे देंगे अपन, दिक्कत ही ना आ रही। हम पहुंच चुके हैं भाई, टिकट हमने ले ली, ओके, और जाएंगे अभी देखेंगे अंदर। कुछ तो साउंड आ रहा भाई, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो गाइस ये है एंट्रेंस, सो आपको यहाँ से टिकट लेना है, और टिकट का चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये है जो ऑनलाइन दिखा रहा है ना 30 रुपया, वो गलत है भाई, और कैमरा का नहीं बता रहा ऑनलाइन, आप देख लो। शिल्प ग्राम वालों अपडेट करो भाई वेबसाइट के ऊपर, पब्लिक कहाँ जाएगी। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरीलाल नागदा।
भूरे लाल नागदा, कहाँ से हो? यहीं से, उदयपुर से। उदयपुर से कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को ये 3 साल। 3 साल हो गया। ओके, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कल्चर प्रोग्राम हो गया। अच्छा, तो जो भी आता है सबके लिए होता है? सबके लिए। और ये गाइस हमारे साथ आए हैं अब्दुल कादिर भाई, इनका भी फॉरेन जाने का प्लान है। सो गाइस, गोटन इंटरनेशनल स्कूल। कौन सा स्कूल है? गोटन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नागौर, राजस्थान। सो नागौर से है ये लोग, एजुकेशनल टूर पे आए। और ये पूरा के पूरा जो है, एक साथ कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे को लेके आए हो? जी सर। किस में आए? हमारे बसेज है। बस है, बस है। पर हेड कितना? पर हेड 8,000। 5 डेज का टूर है। और कहाँ कहाँ जाओगे आप? जाके आगे अहमदाबाद जाके आए, केवड़िया सरदार स्टेचू। अच्छा, ठीक है। पहुँचे फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर वापस। ओहो, तो लंबा टूर है। 5 डेज का। तो यहाँ पे आप इसको विजिट करवाने के लिए लाए? एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रिप है भाई। आप कहाँ से हैं? हम हैं वैसे सूरत से है, मेरा गांव है बुरहानपुर। यूट्यूब पे हमारे चैनल है बाइकर मुस्तफ़ा के नाम से। बाइकर मुस्तफ़ा के नाम से सारे के सारे सब्सक्राइब करना, मुझे कम से कम 70-80 सब्सक्राइबर तो होना इसके अंदर। और सारे के सारे वीडियो पूरा देखना और यूट्यूब के एल्गोरिथम को हला देना। सो गाइस, ये है सारे के सारे लोग आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है इनका ट्रेडिशनल प्रोग्राम चलता है। आप पकड़े हो? आप पकड़े हो?
क्या कर रहे हो आप?